नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल में। जैसे आपको पता है आपके चैनल में क्या नाम बच्चों, आपके चैनल का नाम है आशीष चिकना। तो हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं जो अभी तक हमारे हमारे चैनल से जो नहीं जुड़े हैं वो हमारे चैनल से जुड़े, और नीचे जो घंटे वाला बटन और सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है उसको दबाएं। आज आपके लिए टॉपिक आपके पास है उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है आपके पास। तो बच्चों बात करते हैं, आपके पास उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब में आपके पास ये क्वेश्चन, आपके पास कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसके अंदर काफी बार पूछा जाता है, तो उसकी आज हम क्या लेके आए आपके पास है ट्रिक लेके आए। ट्रिक के माध्यम से आज क्या समझेंगे इसको, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में। आप बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं आपके पास। पहले ये समझते हैं उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं, इसमें क्या बोलते हैं बच्चों, कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। अब इससे आगे चलते हैं, पहले क्या ड्रा करो, कन्वेक्स मिरर ड्रा करो। कन्वेक्स मिरर के मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, बोलते हैं पोल। और जो बच्चे हमारे साथ अभी तक हिंदी में जुड़े हुए हैं उनके लिए आप, उनके लिए भी लिखे हैं जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में, ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ध्रुव बोलते हैं। अब बात करते हैं आपके पास क्या क्या पॉइंट होते हैं इसके अंदर। ये आपके पास पॉइंट हो गया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को क्या बोलते हैं अनंत बिंदु। ये आपके पास जहां पे इमेज आपके पास बनेगी और जो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, ये पॉइंट 1 2 2 1, ये नाम ध्यान रख लो। 1 के बाद क्या आता है काउंटिंग में, 2 आता है, 2 के बाद क्या आता है 1 आता है। अब बात करते हैं ये वाले पॉइंट क्या बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में, फोकस ही बोलते हैं इसको। और सी क्या होता है, सेंटर ऑफ ए कर्वेचर। जो आपके पास क्या होता है बच्चों, सेंटर ऑफ ए कर्वेचर, इसको क्या बोलते हैं हम, वक्रता केंद्र का नियम। वक्रता केंद्र का जो पॉइंट होता है आपके पास ये होता है सी। वक्रता केंद्र का जो पॉइंट है यहाँ पे आपके पास पॉइंट है सी। अब बात करते हैं आपके पास इसके अंदर प्रतिबिंब कैसा होता है आपके पास, दो के साथ है इसके अंदर। कितने के साथ है बच्चों, दो के साथ है। तो बात कर लेते हैं आपके पास प्रतिबिंब पूछा जाए इसके अंदर प्रतिबिंब कैसा होता है आपके पास। एक नंबर काफी बार पूछा गया ये आपके पास, आभासी और सीधा। आभासी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, आभासी को बोलते हैं वर्चुअल। और सीधे को क्या बोलते हैं आपके पास, सीधे क्या बोलते हैं बच्चों, इरेक्ट। सीधे क्या बोलते हैं, इरेक्ट बोलते हैं आपके पास। अब बात करते हैं आपके पास सेकंड क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इसके अंदर, वस्तु की स्थिति आपके पास किस पॉइंट पे दे रखी है, अनंत पे दे रखी है। देखो इसमें देखते रहे हमारे साथ, वस्तु के आपके पास इन्फिनिटी पे दे रखी है, तो आपके पास अनंत को क्या बोलते हैं इन्फिनिटी। तो आपके पास प्रतिबिंब कैसा होगा इस केस के अंदर, तो प्रतिबिंब की स्थिति आपके पास वन वाला पॉइंट है। देखो बच्चों वन वाला पॉइंट है, तो प्रतिबिंब की स्थिति आपके पास किस पे होगी, फोकस पे, वन पे ही होगी। तो मैंने कहा था ध्यान रख लेना, वन वाला, वन वन के साथ में पेयर बना आपके पास वन वाला। अब सेकंड बात कर लेते हैं आपके पास वस्तु की स्थिति यदि आपके पास कहां पे है, इन्फिनिटी और आपके पास पोल दोनों के बीच में है। यदि वस्तु की स्थिति मान लेते हैं सेकंड पॉइंट पे है, तो आपके पास उसकी स्थिति क्या होगी, तो उसकी स्थिति बच्चों क्या होगी आपके पास, फोकस और इसके मिडल में बनेगी। इसके मिडल में आपने 2 पॉइंट आपके पास है, 2 से 2 किसका पेयर है, 2 का पेयर, 2 से किसका पेयर बच्चों, 2 का पेयर हो गया। ये आपके पास दो चीजें पूछी जाती है इसके अंदर, यदि आपके पास वस्तु की स्थिति किस पे हो, दो के साथ हैं इसके अंदर, कौन कौन से के साथ हैं आपके पास। पहला केस इसमें ये पता करता है आपके पास, यदि वस्तु की स्थिति हमें रख दें इसको इन्फिनिटी के ऊपर रख दें, तो उसकी प्रतिबिंब किसके ऊपर बनेगी, उसकी प्रतिबिंब बच्चों किसके ऊपर बनेगी, एफ के ऊपर बनेगी। एफ क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं जिसको। उसके बाद सेकेंड स्टेप की बात आती है, यदि आपके पास वस्तु की स्थिति कहाँ रख दें, दोनों के बीच में रख दें, दोनों के बीच मतलब इन्फिनिटी के और पोल के बीच में रख दें। आपके पास इन्फिनिटी और पोल के बीच में आपने रखी, तो आपके पास वस्तु के आपके पास प्रतिबिंब कैसे कहाँ और कहाँ बनेगी, आपके पास बनेगी आपके पास किस किसी बीच में, पोल के और किसके बीच में बनेगी बच्चों, एफ के मिडल में बनेगी। मध्य मिडल मतलब बिटवीन में बनेगी, इनके दोनों के बीच में आपके पास यहाँ पे बनेगी। तो ये आपके पास क्या थे, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में हम ट्रिक लेके आए हैं। 1 का पेयर 1 के साथ, 2 का पेयर 2 के साथ, डायग्राम को देख के। डायग्राम देखने के बाद आपके पास सीधा का सीधा क्या कर देंगे इसका,
ये आपके पास जो होती है कुछ सजाए, इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछते, इसके अंदर से बहुत ही सिंपल है। आपके पास हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। यदि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।